मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल मेथड बताने वाली हूँ। वो मेथड है कि हमें घर पर काजल कैसे बनाना है। तो मैंने अपने बेबी को जिस मेथड से काजल बनाकर घर पर लगाया है वो आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो डॉक्टर्स आँखों में काजल लगाने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा काजल बच्चे को माथे पर या छाती पर या हाथ या पैर पर लगाते हैं। तो बाज़ार का केमिकल युक्त काजल इस्तेमाल करने की बजाय क्यों ना हम घर पर बनाया हुआ काजल इस्तेमाल करें। तो मैं वो मेथड आपको बता रही हूँ जिस मेथड से मैंने बनाया है, तो ट्राई करिए और अगर आपको पसंद आए तो बेबी को वही लगाइए। थैंक यू। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें काजल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लेंगे देशी गाय का घी, इसके बाद हम लेंगे नीम की जो फूल आते हैं वो ड्राइड फॉर्म में, मतलब सूखे हुए नीम के फूल, नीम का जो पेड़ होता है उसके जो फूल आते हैं वो हमें सुखा के इस क्वांटिटी में लेने हैं। इसके अलावा हमें चाहिए बादाम, मैंने यहाँ 6 बादाम लिए हैं, आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए सुआ जो कि ईजीली किराने की दुकान पर मिल जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा कपूर, 1 खाली दीपक, कॉटन और एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा भी आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल भी है, चाहें तो आप एलोवेरा का पौधा ना लेंगे तो भी चल जाएगा। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 ग्लास और 1 प्लेट जिसमें हम बनाएंगे। तो अब हम प्रोसेस देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। Thank you.